तकनीकी युग में भी लोग झाड़ फूक पर विश्वास करते हैं। अंजोर के कुएं में जिस पानी को लोग पीने में इस्तेमाल करते हैं, उस कुएं में एक युवक ने अपनी पत्नी की झाड़ फूक कराकर नींबू और ताबीज कुएं में फेंक दिया। इससे पानी के दूषित होने का खतरा बढ़ता देख निगम कर्मियों ने तत्काल पानी को साफ किया और जानकारी पुलिस तक पहुंचाई। मामला अंजोर का है। अंजोर के गुरु नानक उद्यान स्थित झामरिया कुआ बड़ी आबादी को पीने का पानी उपलब्ध कराने का एक बड़ा स्रोत है। इस कुएं के पानी में शामिम खान ने झाड़ फूक की सामग्री और दूषित पानी डाल दिया। लोगों को शक हुआ कि यह चीजें कोरोना संक्रमित तो नहीं। इन वस्तुओं को डालते हुए जल शाखा कर्मचारी महादेव यादव ने देख लिया। घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और अन्य कर्मचारियों की मदद से सामग्री बाहर निकलवाकर पानी को जाँच के लिए लैब भिजवाया गया। जांच रिपोर्ट आने तक पानी के सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। वहीं शामिम खान पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। अधिकारी अमरदास सेनानी ने बताया कि कुएं व आसपास के क्षेत्र को सैनिटाइज करवाया गया है। बहुत हरामी है यहाँ सर। सर क्या ये कुएं में पानी कुछ जो नींबू वगैरह डालने की घटना सुनने वाली? ये तो मुस्तफा या शामिम मुस्तफा कोई आदमी है, उनने कुछ इलाज कराया। प्रॉपर डॉक्टरों से भी इलाज चल रहा था और कुछ टोटके वाला इलाज भी चल रहा था। तो जिसके तहत नींबू और उसमें धागे और ताबीज उसको ठंडा करने के लिए संबंधित बाबू ने बाबा वगैरह जो रहते हैं वो बोले होंगे, तो उनने इस कुएं में डाल दिया था। और जैसे कुएं में डाला वैसे मेरे कर्मचारी मौके पर उपलब्ध थे, उनने उसको निकाल लिया और उसको संबंधित की इंक्वायरी भी की गई। और ये जो भी सामान मिला उसको नगर पालिका में संभाल के रख लिया गया है और संबंधित के स्टेटमेंट भी उनसे लिखवा लिए हैं। और अभी हमने जो कार्रवाई करी है कि पानी का सैंपल टेस्ट करवाएंगे और तब तक तो पानी की सप्लाई इस कुएं से नहीं होगी। जब तक संतुष्ट सब रिपोर्ट नहीं आ जाती संतुष्टजनक, तब तक उसका सप्लाई हम जारी नहीं। डॉक्टर गौर से एक रोज शुक्रवार गए हम, तो वहाँ उन्होंने चार सिलाइन लगाई तो वहाँ से थोड़ा फायदा हुआ। तो गवाड़ी रहते हैं हमारे साढ़ू भाई, तो वहीं उनको शिफ्ट कर दिया था। 15 रोज वहाँ रहे तो 15 रोज उनके वहाँ से आए कि नहीं, तो वहाँ आलिम साहब है वहाँ पे, तो उन्होंने है ना तो ताबीज बना के दिए थे और नींबू दिए थे कि भाई कभी बाहरी बाधा हो तो वो दूर हो जाए, अपनी बाहरी बाधा भी हो सकती थी, इसलिए आड़ा इलाज भी थोड़ा मिल गया था सर। तो फिर वो बाटल दी, पानी की बाटल दी पीने के लिए और ताबीज दिया, कागज में लिखा हुआ। तो उसको पिलाने के लिए दिया था कि आपको कुएं में डालने के लिए दिया था? वो काम उसका बजाय ना सर, तो ठंडा करना था उसको बस। तो अभी आपके यहाँ मरीज की तबीयत ठीक है? अभी ठीक है सर, ये अभी अस्पताल और ले गया था उनको, देखो ये। तो जब तबीयत ठीक नहीं हुई तो आपने वो ठंडा क्यों किया उसमें कुएं में? नहीं सर, वो खत्म हो गया था ना सर, उसकी वैलिडिटी जो थी ना 7 दिन की, वो खत्म हो गई थी उसकी। इसी कुएं का क्यों, नगर परिषद आपको पता है पूरा गाँव पानी पीता है। जी सर, माहौल ठीक नहीं चल रहा सर, गलती हो गई बहुत, इतनी बुरी गलती हो गई। गुरु नानक उद्यान मैं वहाँ हुआ है, वहाँ पर ये लोग पानी सप्लाई छोड़ने के लिए गए थे। वहाँ पर उस समय समीम पिता मुस्तफ़ा खान राजपुर रोड अंजल का, वहाँ पर कुछ पूजा की सामग्री कुएं में फेंकते हुए इसने देखा। उस बात को फिर इन्होंने सीएम साहब को आकर बताई थी और आज FIR करने आए हैं उनकी तरफ से। क्या मामला दर्ज किया सर आरोपी का? इसमें हमने आरोपी को धारा 188 और 269 IPC के तहत मामला दर्ज किया। उसकी सामग्री जब्त कर ली क्या? हाँ, अभी जब्त किया जाएगा। क्या जब्त किए अभी आपने सामग्री? जो सामग्री उसमें कुछ नींबू हैं और पेपर पर लिखे हुए ताबीज और एक पानी की बॉटल।